ये कहानी है गुजरे हुए कल और आने वाले कल की। तो कहानी की शुरुआत 12वीं सदी से होती है और हम सेनापति वारिक को देखते हैं जो एक जादूगरनी के पास आया हुआ था। ये इस जादूगरनी से कहता है कि कल हमारे राज्य में राजकुमारी रोसलीन से शादी करने के लिए कोई राजा आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम अपने जादू से उस राजा को मार दो ताकि हम राजकुमारी से शादी कर सके। इसके बदले में सेनापति इस बुढ़िया को खजाना देता है। अगले दिन फ्रांस का राजा थिबोल्ट अपने परिवार और नौकरों के साथ इस राज्य की राजकुमारी से शादी करने के लिए आ रहा था, जो इस बात से अनजान था कि यहाँ पर इसको मारने की साजिश हो चुकी है। राजा का सबसे वफादार नौकर एंड्रे था, जिसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ देर सफर करने के बाद राजा अपने परिवार के साथ इस राज्य में पहुंच जाते हैं, जिसका स्वागत राजकुमारी रोसलीन करती है। रोसलीन थिबोल्ट को एक तोहफा देती हैं। राजा थिबोल्ट के आने की खुशी में यहाँ पर जश्न हो रहा था। सभी लोग खाना खा रहे थे। थिबोल्ट अपने नौकर एंड्रे को बचा हुआ खाना फेंक कर दे रहा था। एंड्रे भी खुशी खुशी वो खाना खा रहा था। तभी यहाँ वही जादूगर बुढ़िया एक वाइन लेकर आती है जिसमें काला जादू किया गया था। जादूगरनी सेनापति को बताती है कि इस वाइन में ऐसा जादू किया गया है कि अगर राजकुमारी ये वाइन पिएगी तो उसे राजा में शैतान दिखेगा और वो उस राजा को मार देगी। इनका प्लान तो बहुत बढ़िया था, मगर जब वाइन पीने की बारी आती है तब राजा थिबोल्ट खुशी में राजकुमारी की वाइन पी लेते हैं। उसके बाद थिबोल्ट को यहाँ मौजूद सभी लोगों में शैतान दिखने लगता है। थिबोल्ट बहुत डर जाता है। इसे लगता है कि ये शैतान इसे मार देंगे, इसीलिए ये अपनी तलवार से एक शैतान को मार देता है जो असल में राजकुमारी थी, और ये सब उस वाइन का असर था। थिबोल्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ये किसी जादू का असर है, मैंने जानबूझकर राजकुमारी को नहीं मारा है, मगर इसकी बात कोई नहीं सुनता। इस अपराध के लिए राजा थिबोल्ट को कैद कर लिया जाता है। अगले दिन इसे मौत की सजा होनी थी। कुछ समय बाद एंड्रे एक आदमी को लेकर थिबोल्ट से मिलने के लिए आता है, मगर सिपाही इसे अंदर नहीं जाने देते, जिस पर ये कहते हैं कि ये उस राजा की आखिरी इच्छा जानने के लिए आए हैं, जिसके बाद इन्हें थिबोल्ट से मिलने दिया जाता है। ये बूढ़ा आदमी एक जादूगर था। थिबोल्ट इस जादूगर को बताता है कि मैंने जानबूझकर राजकुमारी को नहीं मारा है, ये जरूर किसी की साजिश थी। बूढ़ा जादूगर कहता है, हाँ मुझे मालूम है कि आप बेगुनाह हैं। ये सब कुछ सेनापति वारिक का किया धरा है। थिबोल्ट इनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी राजकुमारी को जिंदा कर दीजिए। जादूगर कहता है ये मुमकिन नहीं है, मगर एक दूसरा रास्ता है जिसमें बहुत खतरा है। थिबोल्ट कहता है मैं राजकुमारी को दोबारा जिंदा देखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जादूगर कहता है मैं राजकुमारी को जिंदा तो नहीं कर सकता, मगर मैं आपको समय में पीछे भेज सकता हूँ, उसके बाद आप अपनी गलती को सुधार लीजिएगा। ये जादूगर थिबोल्ट को एक काढ़ा बनाकर पीने को देता है, मगर थिबोल्ट को याद आता है कि इसमें खतरा भी हो सकता है, इसीलिए ये अपना काढ़ा पहले अपने नौकर एंड्रे को पीने के लिए देता है और एंड्रे से कहता है फिकर मत करो, अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारा बदला इस जादूगर से लूंगा। एंड्रे राजा का वफादार था, इसीलिए ये तुरंत वो काढ़ा पी लेता है, मगर इसे कुछ नहीं होता। इसके बाद थिबोल्ट भी ये काढ़ा पीते हैं। अब ये बूढ़ा जादूगर अपना मंत्र बोलता है, ईना मीना डीगा बम बम डीगा। तभी अचानक से राजा और एंड्रे यहाँ से गायब हो जाते हैं। ऐसा होते ही जादूगर को याद आता है कि इसने उस काढ़े में एक चीज तो डालना भूल ही गया, जिसके कारण गड़बड़ हो गई। अब दूसरी तरफ थिबोल्ट और एंड्रे को एक म्यूजियम में होश आता है, जहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीजें थी जिसे लोग देखने के लिए आते थे। लोग इन दोनों को देखकर डर के मारे यहाँ से भागने लगते हैं। आसपास की चीजों को देखकर थिबोल्ट कहता है हम जरूर नरक में आ गए हैं, उस बूढ़े जादूगर का काढ़ा पीकर हम मर चुके हैं। ये दोनों यहाँ पर इस नर्क के राजा को ढूंढने लगते हैं ताकि ये उनसे रहम की भीख मांग सकें। तभी इनके सामने एक गाड़ी आती है, जिसे देखकर इन्हें लगता है कि वो लाल ड्रैगन है। ये दोनों इस गाड़ी की ऐसी की तैसी कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों गॉड से माफी मांगने लगते हैं। तब तक यहाँ पुलिस आ चुकी थी जो इन्हें पकड़ लेती है। थिबोल्ट को लगता है कि ये नर्क के सिपाही हैं, इसीलिए ये इनसे लड़ाई नहीं करता। पुलिस इनका सारा सामान जब्त कर लेती है। इन्हें लगता है कि इन दोनों ने म्यूजियम में चोरी किया है। म्यूजियम की हेड जूलिया इन चीजों की जांच पड़ताल करती है। जूलिया बिल्कुल रोसलीन के जैसे दिखती थी, क्योंकि ये राजकुमारी रोसलीन की वंशज है। जूलिया ऑफिसर को बताती है कि ये सामान म्यूजियम से चुराया नहीं गया है, बल्कि ये तो एकदम नया लग रहा है। जूलिया जब थिबोल्ट की अंगूठी देखती है तब ये हैरान हो जाती है, क्योंकि इस अंगूठी पर जूलिया के खानदानी निशान होते हैं। इसके बाद जूलिया इन दोनों से मिलने के लिए आती है।
जूलिया को देखकर ये दोनों चौंक जाते हैं। इन्हें लगता है कि ये राजकुमारी रोसलीन है। थीबोल्ड को देखकर जूलिया को अपना एक रिश्तेदार याद आता है जो बहुत समय पहले समुन्दर में खो गया था। इन्हें लगा था कि वो मर गया, इसीलिए उनकी पूरी प्रॉपर्टी अब जूलिया के नाम थी क्योंकि उनका जूलिया के सिवा और कोई रिश्तेदार नहीं था। ये सब बातें जूलिया पुलिस को बता रही थी। इस तरफ थीबोल्ट यहाँ के तस्वीरों को देखता है, तब इसे पता चलता है कि ये भविष्य में आ गया है। ये 12वीं सदी से 21वीं सदी में पहुँच गया था और जूलिया और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी रोसलीन की वंशज है। जूलिया अपने बॉयफ्रेंड हंटर को फोन करके उसे सारी बात बताती है क्योंकि अब जूलिया का रिश्तेदार मिल गया था। इस बात से हंटर परेशान हो जाता है क्योंकि ये जूलिया से सिर्फ पैसों के लिए शादी करना चाहता था और अब इसका पूरा प्लान थीबोल्ट के आ जाने से चौपट हो गया था। जूलिया अब थीबोल्ट और एंड्रे को म्यूजियम से बाहर लेकर आती है। ये दोनों आसपास की चीजों को देखकर घबरा जाते हैं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी चीजें नहीं देखी थी। इस तरफ 12वीं सदी में ये जादूगर इन दोनों को वापस लाने के लिए ये भी काढ़ा पीकर यहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ 21वीं सदी में हंटर इनको घर ले जाने के लिए आया था। गाड़ी में बैठने के बाद इनकी हालत खराब होने लगती है। जैसे तैसे करके ये लोग घर पहुँचते हैं। यहाँ पर एंड्रे को एंजेलिना नाम की एक लड़की दिखती है जिसे देखकर एंड्रे बहुत खुश होता है। थीबोल्ट और एंड्रे जूलिया के घर की चीजों को देखकर हैरान हो जाते हैं। थीबोल्ट जूलिया से बताता है कि ये फ्रांस का राजा थीबोल्ट है और ये एक जादूगर की गलती से 12वीं सदी से इस सदी में पहुंच गया है। ये जूलिया को बताता है कि मुझे उस जादूगर को ढूंढकर अपनी सदी में जाना होगा। जूलिया को लगता है कि शायद इनकी याददाश्त जा चुकी है। ये इनका मन रखने के लिए कह देती है कि ये इनकी मदद जरूर करेगी। इसके बाद ये इन दोनों को नहाने को कहती है। थीबोल्ट और एंड्रे नहाने के नाम पर पूरे बाथरूम में तहस नहस कर देते हैं। ये देखकर हंटर को बहुत गुस्सा आता है। ये जूलिया से इनकी शिकायत करता है। जूलिया हंटर को समझाती है कि शायद इनकी याददाश्त चली गई है, हम जल्द ही इन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। रात में ये चारों एक महंगे होटल में डिनर के लिए जाते हैं। थीबोल्ट और एंड्रे यहाँ पर भी अपनी मन मर्जी कर रहे थे। एंड्रे जो राजा थीबोल्ट का नौकर था इसीलिए फर्श पर बैठकर राजा का फेंका हुआ खाना खा रहा था। बाकी लोग इन्हें ऐसा करते देख बहुत हैरान होते हैं। होटल वाले इन्हें फर्श पर बैठकर खाना खाने से मना करते हैं। थीबोल्ट इन्हें बताता है कि ये हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता क्योंकि ये हमारा नौकर है। जूलिया की यहाँ पर बेइज्जती होने लगती है। ये थीबोल्ट से रिक्वेस्ट करती है कि इसे भी हमारे साथ बैठकर खाने दीजिए। थीबोल्ट जूलिया की बात नहीं टालता और एंड्रे को भी अपने साथ बैठकर खाने देता है। ज्यादा खाने की वजह से एंड्रे का पेट खराब हो जाता है और ये गैस छोड़ने लगता है। इस तरह म्यूजियम में वो जादूगर भी यहाँ पहुँच जाता है। अगली सुबह एंड्रे जब घर से बाहर आता है तब इसके पड़ोस में जो लड़की थी उसको इसका बॉस ठीक से काम न करने की वजह से इसको डांट रहा था। एंड्रे को ये बात पसंद नहीं आती और ये अपना चाकू निकालकर इसको डराने लगता है। ये इसको एंजेलिना के पैरों को चूमकर माफी मंगवाता है। तभी यहाँ थीबोल्ट और जूलिया भी आ जाते हैं। थीबोल्ट एंड्रे पर गुस्सा होकर इसे सजा देने वाला था मगर जूलिया इसे समझा लेती है। इसके बाद एंड्रे एंजेलिना से बताता है कि ये उनका गुलाम है। एंजेलिना एंड्रे को बताती है कि अमेरिका में किसी की गुलामी करना जुर्म है और तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लगता है कि वो तुम्हें बहुत कम पैसे देते हैं। एंड्रे कहता है मेरे पास खजाना है। ये एंजेलिना को एक कीमती चीज दिखाता है। इस तरफ जूलिया और थीबोल्ट जादूगर को ढूंढने के लिए निकले थे। ये भीड़ में जाने से पहले थीबोल्ट के कपड़े पर अपना नंबर चिपका देती है ताकि अगर ये कहीं खो जाए तो दोबारा मिलने में आसानी हो। थोड़ी दूर जाने पर ही एक चोर जूलिया का पर्स लेकर भागने लगता है। थीबोल्ट इसे पकड़कर इसका हाथ काटने वाला था। यहाँ पर मौजूद सभी लोग थीबोल्ट से डर जाते हैं। जूलिया इन सबको समझाने में बिजी हो जाती है। थीबोल्ट को यहाँ से एक जादूगरनी जाती हुई दिखाई देती है। ये इसका पीछा करते हुए एक बार में पहुँचता है और इनसे कहता है कि मैं फ्रांस का राजा थीबोल्ट हूँ। मैं यहाँ पर एक जादूगर को ढूंढने के लिए आया हूँ। एक बेवड़ा कहता है मैं भी राजा हूँ और तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। थीबोल्ट कहता है मुझे चुनौती मत देना फूल गोभी, नहीं तो मैं तुम्हारी सब्जी बना दूंगा। मुझे प्यास लगी है, मुझे और यहाँ पर सभी लोगों को मेरी तरफ से मदिरा पिलाओ। इधर जूलिया म्यूजियम पहुँचती है जहाँ पर इसे बताया जाता है कि यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी उसी जगह से निकलकर बाहर गया है। यहाँ पर उस जादूगर ने इनके लिए एक सुराग छोड़ा था। जूलिया तुरंत हंटर को फोन करके बताती है कि थीबोल्ट कहीं खो गया है, वो किसी जादूगर को ढूंढने गया है। तभी जूलिया को एक अनजान आदमी फोन करके इसे थीबोल्ट के बारे में जानकारी देता है क्योंकि जूलिया ने पहले ही थीबोल्ट के कपड़े पर अपना नंबर दिया था। ये तुरंत थीबोल्ट के पास आकर इसे बताती है कि मुझे वो जादूगर मिल गया है जिसकी तुम्हें तलाश है।
है। जूलिया को अब थिबोल्ट की बातों पर पूरा यकीन हो गया था कि ये 12वीं सदी से ही आया है। इसके बाद ये दोनों उस बूढ़े जादूगर के पास पहुंचते हैं। जादूगर इन्हें बताता है कि ये जल्द ही वो काढ़ा बना लेगा, उसके बाद हम लोग अपने समय में लौट जाएंगे। थिबोल्ट इससे कहता है मैं अपने नौकर को लेकर आता हूँ। इस तरफ एंड्रे को दिखाया जाता है जो एंजेलिना के साथ उस खजाने को बेचकर खूब इंजॉय कर रहा था। एंड्रे पहली बार इतना अच्छा खाना खा रहा था, ये इसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल था। एंजेलिना एंड्रे से कहती है कि तुम अपने मालिक की गुलामी छोड़कर मेरे साथ रहो, बिल्कुल आजाद पंछी की तरह। इसके बाद ये दोनों डिस्को जाते हैं जहां पर इत्तेफाक से हंटर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ था। ये चारों आपस में टकरा जाते हैं। हंटर इन्हें बताता है कि ये इसकी बहन है। जाते समय इसकी गर्लफ्रेंड का पर्स यहीं पर गिर जाता है जिसे एंड्रे उठा लेता है। इस तरफ थिबोल्ट जूलिया को राजकुमारी रोसलिन के बारे में बता रहा था। जूलिया कहती है मैं उनकी तरह बहादुर नहीं हूँ। इसके बाद थिबोल्ट जूलिया को तलवारबाजी सिखाता है जिससे जूलिया के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगले दिन जादूगर इनके घर आकर वो काढ़ा तैयार करने लगता है। थिबोल्ट एंड्रे को अपना सामान पैक करने को कहता है जिस पर एंड्रे हिम्मत करके कहता है कि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता, मुझे यही एंजेलिना के साथ रहना है। थिबोल्ट गुस्से से कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे गुलाम हो। फिर जूलिया थिबोल्ट से रिक्वेस्ट करती है प्लीज मेरे खातिर एंड्रे को आजाद कर दीजिए। थिबोल्ट ऐसा चाहता तो नहीं था मगर ये जूलिया की बात नहीं टालता। एंड्रे यहाँ से जाने से पहले जूलिया को हंटर की बहन का पर्स देता है मगर जूलिया का कहना था कि हंटर की तो कोई बहन है ही नहीं। तभी यहाँ हंटर आकर जूलिया से कहता है कि ये तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, मैंने इनके बारे में पता लगाया है, ये लोग कोई बहरूपियां हैं जो तुम्हारे पैसों के लिए नाटक कर रहे हैं। जूलिया इससे कहती है कि नाटक ये नहीं तुम कर रहे हो, मुझे सब पता चल गया है। इसके बाद ये हंटर को घर से बाहर फेंक देती है। जादूगर कहता है कि हमें इस काढ़े को म्यूजियम में ही जाकर पीना पड़ेगा, तभी हम सही समय में पहुंचेंगे। ये जैसे ही म्यूजियम के लिए निकलते हैं तब तक हंटर पुलिस बुला चुका था। ये तीनों किसी तरह पुलिस से बचते हुए म्यूजियम पहुंचते हैं। जाते समय थिबोल्ट जूलिया को अपना लॉकेट देता है और इसे आशीर्वाद देता है कि तुम्हारी शादी बहुत अच्छे आदमी से हो। बदले में रोते हुए जूलिया भी थिबोल्ट को अपने बालों के क्लिप राजकुमारी रोसलिन के लिए देती है। इसके बाद थिबोल्ट और जादूगर वो काढ़ा पीकर अपने समय में लौट जाते हैं और इस बार वो शैतानी ड्रिंक थिबोल्ट इस सेनापति को पीने के लिए देता है। सेनापति डरकर यहां से भागने के चक्कर में खिड़की से नीचे गिर जाता है और इस तरह से थिबोल्ट अपनी राजकुमारी को बचा लेता है। इस तरफ 21वीं सदी में हंटर को प्यास लगती है और ये उस बचे हुए काढ़े को पी लेता है जिसके बाद ये यहाँ से गायब होकर 12वीं सदी में पहुँचता है जहाँ पर इसे एक हट्टा कट्टा आदमी अपना गुलाम बना लेता है। कुछ समय बाद जूलिया की भी एक बहुत अच्छे आदमी से मुलाकात होती है। इस तरफ एंड्रे और एंजेलिना भी एक साथ आजाद होकर बहुत खुश थे और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी का नाम है जस्ट विजिटिंग और इसका हिंदी नाम उल्टा पुल्टा है। ये मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और मूवी के साथ।